एसओजी राजस्थान में लगातार एसआईक्यू पर आवाज उठाती जा रही है और इस भर्ती को न्याय की ओर लेकर जा रही है। अब हमारे पास दो सीन नजर आ रहे हैं। पहले तो ये आप न्यूज देखिए, आज क्या कह रही है कि बीकानेर पुलिस ने मामला छिपाया, रिपोर्ट उजागर होती तो भर्ती न होते फर्जी थानेदार। भैया इस न्यूज को देखने के बाद हमें नजर आ रहा है कि रक्षक ही भक्षक बनते हुए नजर आए हैं। और ऐसा क्यों? आप देखिए, हो सकता है 4 बजे रही हो, पुलिस के ऊपर टैग आई है, तो आप देखिए पुलिस ने मामला छिपाया, रिपोर्ट उजागर होती तो भर्ती न होते फर्जी थानेदार। आज फर्जी थानेदार है, टोटल 32 फर्जी थानेदार लग चुके हैं। और आपको पता है 13, 14, 15 सितंबर को इस भर्ती का आयोजन करवाया गया 2021 में। तो आप यहां पर देखिए, उस समय बीकानेर के एसपी डीएसपी तक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात साफ साफ मीडिया पर कह दी थी कि पाली से बीकानेर का पेपर आना यह धांधलेबाजी का साफ साफ यहां प्रतीक है, तो इसके ऊपर इस पे एक्शन लिया जाना चाहिए था। लेकिन जिन्होंने भी इसके ऊपर आवाज उठाई तो उस मामले को दबाने की कोशिश की गई, उन पर पानी बरसाया, लठ बरसाया, जेल में डाल दो, ये कर दो, ये काम रहे थे। जब एसओजी सारा काम खुल के कर रही है, तब एक बात समझ में यह नहीं आ रहा कि एसआई पर लगातार आवाज भी उठ रही है, भर्ती मामला जो है सामने भी ये आ रहा है कि ये हुआ। तो जानने की बात ये है कि अब तक इस भर्ती के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? क्या सरकार चुनावी मामले को देखते हुए ये काम कर रही है? क्या चुनाव के समय इन युवाओं को आकर्षित करने के लिए लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं? रियलिटी क्या है? क्यों नजर नहीं आ रहा है मामला? क्योंकि आप देखिए, जब इतना क्लियर हो गया, 32 फर्जी थानेदार पकड़े जा चुके हैं, सारी A to Z बातें क्लियर हो गई, तो फिर भाई इंतजार किस बात का? किस बात का वेट किया जा रहा है? पिछली सरकार इस भर्ती के ऊपर खूब मजे ले गई, आनंद ले गई विद्यार्थियों के, बेरोजगारों के। और ये नई सरकार आने के बाद थोड़ी हमें उम्मीद बंधी कि लगातार जैसे ये इन्होंने काम स्टार्ट किया, एसओजी तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन इस पे कब घोषणा होगी? भाई जिन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, उन अन्याय हुआ इन बच्चों से, वो अन्याय न्याय कब मिलेगा? कब मिलेगा आखिरकार न्याय? ये भर्ती न्याय को तरस रही है क्या? इसको भी ठंडे खातों में डाल दिया जाएगा या चुनावों का इंतजार किया जा रहा है? चुनाव बिल्कुल सर पर है और इस भर्ती में सब कुछ एसओजी सब कुछ करके दिखा रही है, क्या न्यूज ही आती रहेगी क्या समाचार पत्रों में, या विद्यार्थियों तक, या उन युवाओं तक जिन्होंने तैयारी की थी, उन तक रिपोर्ट भी आएगी? ये क्लियर होता है यहां पर वो कोई रोशनलाल जैसे लोग यहां पर 5-5 भर्तियों में धांधलेबाजी कर दी जाती है। ऐसे लोगों के लिए ऐसे कानून कड़े बनाने चाहिए। इतने नए नए संशोधन होते हैं, क्यों कानून नहीं बनते कि चौराहे पे लाके खड़ा करे गोली मार देनी चाहिए इन लोगों को? क्यों कानून नहीं बनता है? क्या ये बेरोजगारों के जीवन के साथ में खेला करते रहेंगे? नहीं सहेगा राजस्थान, ये युवा है, नहीं सहेंगे। हम जवाब मांगते हैं इस बात का, क्योंकि इस सरकार को हमने भी वोट दिया है, मेरे सैकड़ों विद्यार्थियों ने वोट दिया है। मैंने कहा था जाइए दीजिए वोट, क्योंकि आने वाली सरकार हमारा भविष्य तय करेगी। हम हक से ये बात कहते हैं, हमारा हक है, हम कोई किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। मैं सीधी बात करता हूं, डायरेक्ट भजन लाल जी से बात करना चाह रहा हूं, मैं भजन लाल जी को यह बात कहना चाह रहा हूं, हमने आपको वोट दिया है, इसलिए हमारा हक बनता है, हम आपसे जानना चाहेंगे क्यों इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? भाई इस पर दिक्कत क्या है? इसके ऊपर एक्शन लिया जाए क्या? जो तैयारी कर रहे थे वो युवा नहीं थे क्या? क्या वो अफगानिस्तान से आए थे क्या? तैयारी तालिबान ही थोड़ी तैयारी करने आए थे, राजस्थान के थे। तो एक्शन लिया जाए, एक्शन लेना जरूरी है। जहां आपकी प्रशंसा की बात आती है हम कमी नहीं छोड़ते, जब हमारी हक की बात आती है तो हम कमी कैसे छोड़ दें? हम कोई भीख नहीं मांगते, हम हमारा हक मांगते हैं। इसलिए आपको मैं कहना चाहता हूं, जो जितने भी बड़े ओहदे पर बैठे हैं, जिनके ये हाथ का निर्णय है, तो उनको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं और हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि एक्शन लीजिए। ये युवा आपके उस निर्णय का इंतजार कर रहा है। आप जो निर्णय लेने वाले हैं युवाओं के हक में, कान हमारे बेताब हो रहे हैं उस हक को सुनने के लिए जो हमारे लिए आप घोषणा करने वाले हो। आज होगा, कल होगा, पिछले 3 महीने से हम लगातार इस बात के लिए कर रहे हैं और यह क्लियर हो गया कि हमारा संघर्ष तो कभी खाली नहीं गया। हमारा संघर्ष जो हमने शहीद स्मारक पर बैठकर धूप में तप तप कर, वहां पर बरसात में बैठकर जहां हमने संघर्ष किया था, वो हमारा खाली तो नहीं गया। तो समाचार पत्रों में डायरेक्ट एसओजी की बातें आ रही है, आपकी तरफ से कोई हरी झंडी दीजिए,
हमारी आंखें, हमारे कान, हमारा मन, हमारा हृदय बेताब है, आपकी उस बात का इंतजार कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि जल्द ही आप अच्छा निर्णय लें। हो सकता है कि आपका अगला वीडियो हमारे सरकार के इस निर्णय पर ही आए, ऐसा ही भर्ती के निर्णय पर ही आए। तो जल्द ही निर्णय लें। मैं मेरे पूरे YouTube परिवार की तरफ से, युवाओं की तरफ से, मैं हार्दिक आपसे निवेदन करने जा रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।